Stanley on Bible presents Sound Doctrine Swasth Siddhant Lessons prepared by R.Stanley, a building engineer turned Bible teacher. Taiyar kiye gaye paath dwara R.Stanley Bhavan engineer bane Bible shikshak. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। हमारे सारे प्रबंधन तकनीकों से हमने केवल अच्छे प्रबंधकों को और अच्छे व्यवस्थापकों को तो तैयार कर लिया है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न रह जाता है कि अगुवे कहां हैं। इन सारी बातों से, इन सारे कार्यक्रमों से, सारे सेमिनारों से अलग अलग शिविर आयोजित होते हैं, लेकिन अगुवे तैयार करने की बात जहां तक आती है तो ये कम ही दिखाई पड़ रहे हैं। जो पहले ही अगुवे हैं उनमें वांछनीय चरित्र की बजाय घृणित लक्षण कुछ ज्यादा ही दिखाई देते हैं। पौलुस प्रेरित किसी भी दृष्टिकोण से एक प्रतिष्ठित अगुवे थे। उन्होंने अपनी पत्रियों में कई बार ऐसी बातों का वर्णन किया है जिन्हें मैं अगुवा होने की योग्यता वाली सूची कहता हूं, और उनकी पत्रियों में मैं ऐसे तीन जगह सूचियां पाता हूं। पहला तिमोथियुस उसके तीसरे अध्याय के पहले वचन से सातवें वचन में आप देखिए तो वहां पहली सूची है, और इस सूची में आपको अगुओं के नौ सदगुण नजर आएंगे और साथ ही उन्होंने छह दुर्गुणों का भी वर्णन किया है। दूसरी सूची जो मिलती है वो उसी अध्याय के 8-12 में मिलती है, और यहां पर उन्होंने पांच सदगुणों का वर्णन किया है और तीन दोष की बातें भी बताई है। तीसरी सूची हमको मिलती है तीतुस की पत्री में और उसके पहले अध्याय के 7-9 के बीच में, और इन तीन पदों में उन्होंने अगुओं में पाए जाने वाले 8 सदगुण की और 5 अवगुण की बातें भी दर्ज की हैं। इन तीन सूचियों में वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि एक अगुए में क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट करते हैं कि एक अगुए में कौन सी बात नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि हम सीख रहे हैं कि अगुवाई कैसे न करें, हाउ नॉट टू लीड। अब तक हम लोगों ने इस विषय को लेकर के 7 पाठ सीख चुके हैं, एंड दे आर लेसन नंबर 1, डू नॉट लस्ट फॉर लीडरशिप। पहला पाठ था अगुआ होने की लालसा न रखें। लेसन नंबर 2, डू नॉट रिलाई ऑन योर स्किल। दूसरा पार्ट था अपने कौशल पर भरोसा न रखें। लेसन नंबर 3, डू नॉट एक्सप्लॉइट पीपल, लोगों का शोषण न करें, यह तीसरा पार्ट था। लेसन नंबर 4, डू नॉट प्रमोट योर सेल्फ। चौथा पार्ट था अपने आप को ही बढ़ावा न दें। लेसन नंबर 5, डू नॉट शो पार्शियलिटी। पांचवा पाठ था पक्षपात न करें। लेसन नंबर 6, डू नॉट गो आफ्टर मनी। छठवां पाठ था धन की अभिलाषा न रखें। लेसन नंबर 7, डू नॉट बी अ लोनर। पिछले सप्ताह हम लोगों ने सातवां पाठ सीखा था और वो ये था कि अकेले ही सब कुछ करने की न सोचे। टुडे वी विल बी लर्निंग द 8th लेसन। आज हम लोग 8वां पाठ सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे न करें, डू नॉट बर्न योर सेल्फ आउट, अपने आप को श्रांत न होने दें। मैं फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे न करें, डू नॉट बर्न योर सेल्फ आउट, अपने आप को श्रांत न होने दें। प्रियो,
यह अवस्था एक अगुवे में या एक व्यक्ति में तब आती है जब हम इतना अधिक कार्य करते हैं, इतना ज्यादा काम कर बैठते हैं कि थक करके एकदम चूर हो जाते हैं और उसके बाद हमसे कुछ बन नहीं पड़ता है। हम करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं और किसी तरह से कर भी दें कुछ तो वो प्रभावी तरीके से नहीं होता है, वो कुशल तरीका नहीं होता है, एक अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाई देता उस काम में। यदि यही परिस्थिति हम में चलती रहती है तो फिर हमारे अंदर कुछ शारीरिक और कुछ मनोवैज्ञानिक विकार नजर आने लगते हैं और ये बातें बढ़ करके हमको बीमार कर देती हैं। अगुओं में ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न होना बड़ी सामान्य सी बात है। आइए हम इस अवस्था के कारण और इसके उपचार के बारे में आज बात करेंगे। पहली परिस्थिति या पहला कारण जो है जिसके कारण हम लोग निढाल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो पहला कारण यह है कि हमने अपने हाथों में जो कार्य लिया है उसे अकेले ही करते हैं और बांटते नहीं हैं, अकेले ही सब कुछ करना चाहते हैं। पहले उदाहरण के लिए मैं आपको निर्गमन की पुस्तक में ले चलता हूं और उसके 18वें अध्याय में मूसा दिन भर बैठकर, लिखा है, भोर से लेकर सांझ तक लोगों से घिरा रहता और लोगों का वो न्याय करता था। एक दिन मूसा के ससुर इत्रो ने उसको देख लिया और फिर उसके पास जाकर के परमेश्वर की बातें उससे कहता है। वो कह रहा है, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है, क्या कारण है कि तू अकेला ही बैठा रहता है। ये सारी बातें देखने के बाद उससे कहता है, इससे तो तू वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है और तू इसे अकेला नहीं कर सकता। और फिर आगे चल के वो कहता है, सलाह दे रहा है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। वो कहता है मूसा से कि ऐसे पुरुषों को छांट ले और परमेश्वर के भय मानने वाले गुणी लोगों को चुन ले जो सच्चे हों, अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, उनको लेकर हजार हजार के ऊपर, सौ सौ के ऊपर, पचास पचास पर, दस दस पर ठहरा दे, उनको प्रधान नियुक्त करके दे दे और वे लोग अपने अपने समूह में ये काम करेंगे, केवल जो सबसे कठिन वाली परिस्थितियां होगी केवल वैसे ही केस तेरे पास में लेकर के आएंगे। यदि तू यह उपाय करे, 23वां वचन, यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा, इस काम में तू आगे बढ़ सकेगा, तू स्वस्थ बना रहेगा अगर इस तरीके से तू काम का बंटवारा कर दे और केवल कठिन वाली बातें तेरे पास में इस तरीके से आया करेगी। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि प्रेरितों के समक्ष भी जब कार्य की अधिकाई हो गई, फिर से एक बार खोलिएगा प्रेरितों के काम और उसके 6वें अध्याय में, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। अब यहां सेवा का कार्य आ गया, अब ये बारहों ने चेलों की मंडली को पास बुला करके उनसे कहा कि देखिए ऐसी समस्या है, आप इसे सुलझाइए, आप इसे अपने ऊपर ले लीजिए। तो इन्होंने, 12 चेलों की मंडली ने उनसे कहा, हमको ये ठीक नहीं लगता कि वचन की सेवकाई को छोड़कर खिलाने पिलाने के काम में हम अपना ध्यान दें, एक काम करिए, मंडली में से ही, आप लोगों में से ही कुछ सुनामी पुरुषों को लीजिए, कुछ अच्छे और परमेश्वर के भय में चलने वाले लोगों को लीजिए और उनको ये वाला काम सौंप दीजिए। और उनकी ये सलाह सबको भाती है और 7 ऐसे लोग चुने जाते हैं और इन लोगों को यह कार्य दिया जाता है कि विधवाओं के सामने उनकी सुधि ले, उनके आवश्यकताओं की तरफ, उनके भोजन की भी ध्यान रखें। तो काम को हम लोग अगर बांटते रहेंगे तो हम अपने में स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो हम मानो अपने आप को खत्म कर डालेंगे, अपने आप को चूर कर डालेंगे। आइए दूसरे कारण की ओर बढ़ते हैं। हम अपने आप को श्रांत कर देते हैं, चूर कर देते हैं, इसका दूसरा कारण यह है कि हम अपने आप को अपनी क्षमता से
ज्यादा तान लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से मैं इस बात को पाता हूं कि जो कार्य परमेश्वर पिता ने उसे सौंपा था वो उसे पूरा कर रहे थे। यूहन्ना के 4:34 में यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यहां पर शिष्यों ने यीशु के लिए कुछ खाने की चीज लेकर आए थे, सामरी स्त्री के साथ में जहां पर कुएं पर बात हुई थी, और जब उसको खाना देते हैं तब यीशु ने कहा, मेरा भोजन ये नहीं, मेरा भोजन तो यह है कि परमेश्वर के सौंपे हुए कार्य को मैं पूरा करता चला जाऊं, इसी से मेरा पेट भरता है। महायाजकीय प्रार्थना में भी देखिए, यूहन्ना के 17 में और उसके 4 में लिखा है, जो कार्य पिता तूने मुझे सौंपा था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तेरे सौंपे हुए कार्य को अपने लिए कार्य बटोरना नहीं है, लोगों के चलाए चलते हुए कार्यों को बढ़ाते नहीं जाना है। आपको जो कार्य परमेश्वर ने सौंपा है उतना कार्य आपको करना है। एक उदाहरण और देता हूं, प्रेरितों का भी बिल्कुल ऐसा ही तरीका था। रोमियो 12:3 में जो बात पाई जाती है उसे दूसरा कुरंथी और उसके 10 में और अधिक तरीके से स्पष्ट किया हुआ है। यहां पर दूसरे कुरंथी के 10 और उसके 13 और 14 में, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि नहीं करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दिया है, एक सीमा में हमको बांध दिया, उसको हम लांग कर नहीं जाने वाले, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार हम घमंड भी करेंगे, क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता है, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए ही हम तुम तक पहुंचे हैं। हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने एक सीमा बांध दी है, एक लिमिट रख दी है, यह है तुम्हारा कार्य, तुमको इतना करना है। हर एक जन अपने अपने सीमा में रह करके अपने अपने हिस्से का काम अगर करता रहे तो सारे अगुओं ने मिलकर के जब अपना अपना काम किया तब पूरा कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा हो जाता है। प्रियो, बहुत जरूरी है कि अपने कार्य में हम ऊंचे स्तर का एक उत्साह बनाए रखें, लेकिन उस कार्य में अति महत्वाकांक्षी हो जाने से नुकसान भी हो सकता है। परमेश्वर सबके लिए विशाल परियोजनाएं नहीं सौंपता, हर एक को कुछ ना कुछ काम देता है, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा, और किसी किसी के लिए बहुत अधिक। तो इस बात को देखकर, एक दूसरे को देखकर के कोई जलन करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमको हमारी योग्यता के अनुसार जो काम सौंपा है उसे करना है, और दिए हुए उस तोड़े के अनुसार ही हमको काम करना है, क्योंकि परमेश्वर जब लेखा लेगा तो उसी के अनुसार लेगा कि क्या काम सौंपा था, उसके अनुसार का फल हमको देना है। परमेश्वर कुछ खास खास लोगों को अवश्य चुन लेता है कि बड़े बड़े कार्यों को उनके हाथों में सौंपे। यदि हम परमेश्वर के सिद्धांत के विरुद्ध जाते हैं तो फीके पड़ जाते हैं। कहना यह चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको जो काम दिया नहीं, लेकिन आप उसको करना चाहते हैं, कुछ बढ़ करके करना चाहते हैं, तो अपने काम में फीकापन पाएंगे। होता यह है कि हम गहरे में जाने की बजाय एक पतला सा ऊपरी फैलाव जो दिखावटी होता है उसी में बढ़ते हैं। प्रभु यीशु लोगों की मांग के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहे थे। एक उदाहरण दूंगा इसके लिए, मरकुस रची सुसमाचार के 1 में आइए और उसके 35 से आगे यूं लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और जंगली स्थानों में गया और वहां जाकर के प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसके खोज में आए, जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, ये गांव के लोग प्रभु जी तुझको ढूंढने के लिए आए हैं, चल अपन चलते हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं। प्रभु यीशु ने अपने आप को लोगों की इच्छाओं के साथ में नहीं बांधा था।
हमने देखा कि परमेश्वर ने उसको जो काम सौंपा था और परमेश्वर से मानो प्रतिदिन वो प्रतिदिन का समय सारणी मांग लेता और अपने कार्य को मांग लेता और उसके अनुसार वो अपने कार्य को करता है। इसीलिए प्रियो एक सलाह है कि हर एक बार जो आपको काम सौंपा जाता है जरूरी नहीं है आप हर एक को हां 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 बोलते जाएं। सीखना पड़ेगा कि कार्य के लिए इनकार भी कर सकें। आपसे कुछ कहा जा रहा और आपको मालूम है कि मेरी क्षमता के बाहर है, आप विनम्रता पूर्वक इनकार कर सकते हैं, मना कर दीजिए, कोई और व्यक्ति उस कार्य को अच्छी रीति से पूरा करेगा। आइए तीसरा कारण देखते हैं कि हम थक करके चूर हो जाते हैं जब हम समय समय पर आराम नहीं करते हैं। जब हम अपने दिनचर्या में आराम करने का वक्त नहीं निकालते हैं, तरोताजा होने का वक्त नहीं निकालते हैं, तो हमारा शरीर साथ नहीं देता, हम थकने लगते हैं, निढाल हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं। यह मनुष्यों के लिए परमेश्वर की योजना कभी नहीं रही कि 2400 घंटे 365 दिन मनुष्य काम करता चला जाए। परमेश्वर अपने खुद के उदाहरण से हमको ये सिखाते हैं। जाना पहचाना सा वचन है लेकिन आपको उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में लेकर चलता हूं। दूसरा वचन कहता है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। परमेश्वर हमें सातवें दिन विश्राम करने की बात सिखा रहा है। छह दिन तक काम करने के बाद सातवें दिन विश्राम कर रहा है। एक प्रश्न मन में उठता है कि क्या परमेश्वर बहुत थक गया था कि उसने विश्राम किया? ऐसी बात नहीं है। आप मेरे साथ में यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40वां अध्याय और उसके 28वें वचन पर गौर करिए। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता है न श्रमित होता है। हमारा परमेश्वर थकने वाला परमेश्वर नहीं, वो श्रमित नहीं होता, थककर चूर नहीं होता। और जहां तक उत्पत्ति 2:2 की बात है कि सृष्टि की रचना के बाद उसने विश्राम किया, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पसीना बहाकर और ऊपर नीचे करके नहीं, परंतु परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो हर एक बात के लिए उसने कह दिया और वो हो गया। मनुष्यों को बनाने के लिए बेशक उसने अलग तरीके से बनाया क्योंकि हमको उसने अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन बाकी बातों के लिए लिखा है कि वो कहता है और संसार रचता चला गया। परमेश्वर ने यहां पर केवल हम मनुष्यों को सिखाने के लिए विश्राम किया है। निर्गमन की पुस्तक के 20वें अध्याय में बताइए क्या है। निर्गमन 20, जी हां, यहां पर हम लोगों को 10 आज्ञाएं मिलती हैं। दूसरा प्रश्न, इन 10 आज्ञाओं में से सबसे बड़ी वाली आज्ञा कौन सी है? सबसे लंबी जो आज्ञा है वो लंबी वाली आज्ञा है कि विश्राम दिन को पवित्र मानना। बोलने में छोटा लगा लेकिन आप अध्याय में पढ़िए, 8वां वचन वही बता रहा, 9वां वचन, 10वां वचन, 11वां वचन इसी बात को समझा रहा है कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना है। यह बहुत जरूरी बात होगी तभी इतना समझाया गया। 13वें वचन में लिखा है खून न करना, 14वें में लिखा है व्यभिचार न करना, चोरी न करना, 15 खत्म, एक 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 वाक्य में छोटे छोटे में, लेकिन एक बेहद जरूरी बात थी जिसको समझा करके परमेश्वर ने कहा है कि विश्राम वार को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। आज सप्ताह में एक दिन का जो विश्राम लिया जाता है ये कोई हमारी धर्म क्रिया नहीं है, ये कोई संस्कार नहीं है जो हमें धर्म के पालन के लिए करना है, परंतु परमेश्वर ने देखा कि यह हमारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है और मानव आज्ञा के रूप में यहां पर हमें सौंप दिया गया है। प्रभु यीशु ने इसी बात को स्पष्ट कह करके ये बात बोला था कि मनुष्य सबत के दिन के लिए नहीं बनाया गया, परंतु सब का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है। मरकुस के 2 अध्याय 27 वचन में आप देख सकते हैं। आपको शायद याद होगा एक बार जापान ने
इस देश ने 7 दिन के सप्ताह को बदल के 10 दिन का सप्ताह करने की सोचा था। उनको लग रहा था कि हमारा जो आउटपुट है वो बहुत बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि यह परियोजना उनकी जो थी, ये जो उनका प्लान था, ये बुरी तरह से विफल हुआ और बड़े जल्दी ही फिर से वापस उनको 7 दिन के सप्ताह पर आना पड़ा। ये परमेश्वर की योजना है, ये बाइबल का पवित्र वचन, ये पवित्र शास्त्र कह रहा है कि 7 दिन के सप्ताह में तेरा विश्राम दिन तू तय करके रख। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि वर्ष भर में एक लंबी छुट्टी लेकर के कह देना कि हम घूम फिर करके आ गए हैं पर्याप्त नहीं होगा। समय समय पर और साप्ताहिक विश्राम का अपना ही एक अलग महत्व होता है, उसे अवश्य करिएगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से एक और बात आपको बताना चाहता हूं। मरकुस के 6वें अध्याय में आइए और 30 और 31 पढ़ के सुना रहा हूं। बड़ी रोचक घटना है, ध्यान से सुनिएगा। प्रेरितों को प्रभु यीशु ने काम पर भेजा था कि जाओ और लोगों को ये सब सुनाओ और उनके लिए बड़े बड़े काम करके आओ। ये लोग गए और अब लौट के आते हैं। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया था, जो कुछ उनको सिखाया गया था, सब उसको बताना शुरू किया। और जब वे लोग बताएं इस बात को, उसके बाद में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, ठीक है, अभी चलो एक तरफ चलते हैं, आराम करते हैं। वचन में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चल करके थोड़ा विश्राम करो। विश्राम की आवश्यकता है, आराम करने की जरूरत है। तुमने मेहनत का काम किया, तुमने कार्य किया और अब जरूरी है कि तुम विश्राम करो। वो बड़ा रोचक लगा मुझे कि इन लोग कितने उत्साह से आए होंगे कि प्रभु जी अभी हमारी पीठ थपथपाएगा और ये कहेगा वो कहेगा। यीशु ने उनसे कहा कि चलो थोड़ा सा आराम कर लो, विश्राम की जरूरत है। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने शरीर को एकदम स्वस्थ रखें। कीप योर बॉडी फिट। अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और ऐसा रखने के लिए आप संतुलित आहार लिया करें, अच्छा भोजन किया करें और बराबर कसरत भी किया करें, रोज किया करें, और साथ ही पर्याप्त विश्राम भी लिया करें, और साथ ही समय समय पर जो चिकित्सक जांच होती है वो भी करना ना भूलें। थक कर चूर हो जाने का चौथा कारण यह है कि समय प्रबंधन की हमें कमी है। हम लोग टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं करते हैं और इसीलिए थक करके चूर हो जाते हैं। समय प्रबंधन के लिए एक बड़ी अच्छी प्रार्थना भजन संहिता के अध्याय संख्या 90 के 12वें वचन में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमारे दिन गिनने की समझ, हमको जो जीवन मिला है, जो कार्य करना है उसमें हमको किस रीति से करना है, ये वास्तव में मूसा की प्रार्थना थी। प्रियो, ज्ञान हमारे पास में है, जानकारी हमारे पास में है, आप एक टाइम टेबल बना लोगे, आप एक समय सारणी तो तैयार कर लोगे, लेकिन वह बुद्धिमानी चाहिए होती है कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करके कर सकते हैं। जीवन की संक्षिप्तता को समझकर इस छोटे से जीवन में सारी बातों को करना है। निकालिए इफियोसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 5वें अध्याय और उसके 15वें वचन से आगे, इफिसियों 5:15 से आगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान बनो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा जानकर, समय को बहुमूल्य समझकर, अपने समय का अच्छा प्रबंधन करके, सारे समय को कामों में बांट करके अच्छी रीति से पूरा उपयोग जब हम करते हैं तो ये सारी बातें अच्छी रीति से हो जाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं मुझसे कि समय नहीं है हमारे पास, समय नहीं है हमारे पास। प्रियो, मैं जानता हूं कि समय बहुत कम है, काम बहुत अधिक है, लेकिन समय इतना भी कम नहीं है कि हम कहें कि समय पर्याप्त नहीं। समय इतना जरूर है कि हम अपने सौंपे हुए कार्य को पूरा कर सकते हैं। आपको मालूम है एक बार प्रभु यीशु ने योहन्ना के 11वें अध्याय के 9वें वचन में एक बात पूछी थी। यीशु ने पूछा, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? प्रभु यीशु ने इस प्रश्न को पूछ के क्या कहना चाह रहे थे?
हम लोग अपने जीवन में क्या ज्यादा समय पाना चाहते हैं? दूसरे लोग काम करते बढ़ते जा रहे हैं, क्या उनके जीवन के दिनों में अधिक घंटे होते हैं और हमको कम? ऐसा नहीं है प्रियो। चलिए थोड़ा सा गणित करते हैं। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो इस प्रकार से सप्ताह भर के 7 दिनों में हो गए 168 घंटे। आप प्रतिदिन अपने जीवन में अगर 10 घंटे का समय कार्य और आने जाने में लगाते हैं तो 6 दिन में आपने 60 घंटे खर्च कर दिए। 3 घंटे का आप खाना पीना करते हैं, बातचीत करते, इस प्रकार से समय बीतता है, तो 7 दिन आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो 21 घंटे ये हो गए। 60 और 21 का खर्च हो गया 81 घंटे। अब मान लीजिए आप प्रतिदिन 8 घंटे सोते हैं, 7 दिन सोया आपने, 7 × 8 = 56, तो ये 81 और 56 मिलकर के हो गए 137। सप्ताह में कुल 168 घंटों में से केवल 137 घंटों का हिसाब है। अब बच जाते हैं 31 घंटे, 31 आवर्स। ये 31 घंटों को हम कैसे बिताते हैं, किस तरीके से उसको व्यक्त करते हैं, खर्च करते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि हमारे जीवन के कार्यों में हम क्या कर रहे हैं। प्रियो, अच्छे और बुरे में अभी फर्क करने का समय नहीं है। आप उत्तम और अति उत्तम कार्यों में चुनाव करिए। कुछ कार्यों को इनकार करना सीखिए। समय में आप जब कार्यों को बांधते भी हैं तो कौन सा कार्य पहले करना, यानी कि प्राथमिकता को भी तय करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। क्या ये कार्य मैं ही करूं, ये भी प्रश्न पूछ सकते हो, या मैं ये कार्य अपने किसी भाई को सौंप सकता हूं, किसी बहन को सौंप सकती हूं, इस प्रकार से दूसरों को भी मौका दीजिएगा। एक चेतावनी देना चाहता हूं कि जब हम थक करके चूर हो जाते हैं, बहुत ही थक जाते हैं, तब हमारे दुश्मन को समय मिल जाता है कि हम पर आक्रमण करे। एक घटना मैं बताना चाहूंगा, दूसरा शमूएल और उसके 17वें अध्याय से। यहां पर लिखा है, अहितोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे, मैं उठकर आज ही रात दाऊद का पीछा करूंगा, क्योंकि वो थका मांदा और निर्बल होगा, मैं उसे पकड़ूंगा, डराऊंगा, उसके लोगों को भगाऊंगा और उसको मार डालूंगा। वो इस प्रकार से कहता है, कब? जब वो बहुत थका हो। इसलिए प्रियो, थक करके चूर नहीं होना है। प्रभु यीशु मसीह की एक प्यारी सी बात कही हुई याद आ रही है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 28वें वचन में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाउ नॉट टू लीड, अगुवाई कैसे ना करें। डू नॉट बर्न योर सेल्फ आउट, अपने आप को श्रांत न होने दें। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टेलीकास्ट। लाइक द बेरेयन क्रिश्चियंस, सर्च द स्क्रिप्चर्स योरसेल्फ टू सी वेदर थिंग्स आर सो। शेयर दिस प्रेशियस ट्रूथ्स विद योर फ्रेंड्स, एनकरेज देम टू वॉच दिस टेलीकास्ट वीक आफ्टर वीक। डू प्रे फॉर दिस प्रोग्राम। Support us with your offerings. God bless you and make you a blessing. Address for correspondence and contributions: R. Stanley, Number 13, Church Colony, Vellore, 632-006. Telephone 0091-9843-70-7600.